आया तो बोल किसी ने आवाज मारी क्या है नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है सोलन सब्जी मंडी से। इस वक्त हम आपके साथ है लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में आज बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति हुई है। तस्वीरों के माध्यम से जो मटर आप इस वक्त देख रहे हैं, यह करसोग का मटर जो 70 रुपये से लेकर 72 रुपये प्रति किलो तक मंडी में बिका है। और मंडी में करसोग से मटर की जबरदस्त आपूर्ति जारी है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे होंगे कि यह मटर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है। और यही वजह है कि गुजरात की मंडियों में इस मटर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो सोलन सब्जी मंडी से ज़्यादातर मटर गुजरात को अब जा रहा है। और गुजरात में सोलन सब्जी मंडी में जो मटर आ रहा है उसकी का बड़ी डिमांड इस वक्त देखने को मिली। इसके अलावा जिला शिमला सिरमौर के कई क्षेत्रों से मटर की आपूर्ति हो रही है। 60 से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वह मटर सोलन सब्जी मंडी में बिका है। तो कुल मिलाकर 60 रुपये से लेकर 72 रुपये के बीच में सोलन सब्जी मंडी में मटर के रेट बने हुए हैं। और पिछले 2-3 दिनों से अगर हम देखें तो इसी तरह का भाव मटर का चला हुआ है मंडी में। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में मटर की आपूर्ति अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी मंडी में अभी बड़ी मात्रा में मटर पहुंच रहा है। हालांकि उतना तो नहीं जिस तरह से दो अप्रैल को सोलन सब्जी मंडी में 1375 क्विंटल मटर की आपूर्ति हुई थी जो सबसे ज़्यादा थी, लेकिन उतना मटर तो नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी सोलन सब्जी मंडी में मटर अभी भी 100 से 200 क्विंटल के बीच में मटर पहुंच रहा है। और आप देखें कि करसोग की गाड़ी एक और मटर की पहुंच गई है और अनलोड किया जा रहा है। और लगातार बीच बीच में मटर की आपूर्ति जारी है। सोलन में तो लगभग सीजन अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ गया है। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक जगहों से ही अब मटर सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। अदरवाइज शिमला के नेरुआ चौपाल से मटर की आपूर्ति हो रही है। और जो शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां से भी मटर आ रहा है। सिरमौर के हरिपुर धार नौरा धार और के क्षेत्रों से मटर की सोलन सब्जी मंडी में आपूर्ति हो रही है। तो सोलन सब्जी मंडी में मटर पहुंच रहा है और बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति अभी जारी है। गाड़ी आप देख रहे हैं करसोग के मटर की, करसोग से मटर लेकर आई है, चायल चौक से मटर लेकर आई है। मंडी जिला में बड़ी मात्रा में मटर का उत्पादन होता है और मटर के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में करसोग की बेल्ट मटर के लिए मशहूर हुई है। और तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त आप देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी में अभी भी रौनक है। सुबह के वक्त जिस तरह की रौनक थी उतनी तो नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में खरीदार सोलन सब्जी मंडी में सब्जियों की खरीद के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान लहसुन लेकर सोलन सब्जी मंडी में आ रहे हैं। लहसुन का रेट में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। 160 रुपये तक लहसुन मंडी में बिक रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो लॉट लहसुन के हैं वो 120 से लेकर 140 रुपये के बीच में ही बिक रहे हैं। और नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन सब्जी मंडी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम बारिश का बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में चली हुई है जो सोलन की फिजाओं को ठंडा कर रही है। किसानों की थोड़ी चिंताएँ हैं, बागवानों की थोड़ी चिंताएँ हैं। जिस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, और यही वजह रहती है कि किसानों की चिंताओं की, क्योंकि अभी मटर का आप देख रहे हैं कि सोलन कई प्रदेश के कई क्षेत्रों में मटर का उत्पादन, मटर की फसल पककर तैयार हो रही है, मंडियों में पहुंच रही है। और ऐसे समय में यदि बारिश हो जाए तो उसकी वजह से किसानों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ेगी, और यही कारण रहता है कि किसान थोड़े परेशान है। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं। नरेश ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, और सुरेश राणा जी हैं, सुरेश राणा जी, अनुपम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। नरेश चौहान जी का हम स्वागत करते हैं। सोलन सब्जी मंडी में मटर की बड़ी मात्रा में आपूर्ति अभी भी जारी है।
करसोग से मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा हुआ है। रेट की बात करें तो 60 रुपए से लेकर 70 रुपए के बीच में रेट चला हुआ है। 72 रुपए तक मैक्सिमम रेट है करसोग के मटर की डिमांड गुजरात की मंडियों में, और यहां से अब मटर गुजरात की मंडियों को जा रहा है। पहले मुंबई की ओर जा रहा था, लेकिन अब गुजरात को मटर की सबसे अधिक आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी से हो रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी मटर की आपूर्ति हो रही है। ऐसा नहीं कि करसोग का ही आ रहा है, जिला सिरमौर के चौपाल क्षेत्र का मटर भी सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है, और चौपाल नेरवा और के साथ साथ हरिपुर धार जिला सिरमौर के नौरा धार जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ का मटर चला हुआ है। और आने वाले दिनों में जो मटर है वो जिन क्षेत्रों से आ रहा है उनसे भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है तो वहाँ से भी मटर की आपूर्ति शुरू होने वाली है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार के मटर का जो सीज़न है वो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि रेट भी अच्छे मिल रहे हैं, किसान भी खुश हैं, क्योंकि पहली बार मटर का रेट 35 रुपये से शुरू हुआ था और 70 रुपये के बीच में ही बना हुआ है, और लंबे समय से इसी तरह के भाव सोलन सब्जी मंडी में चले हुए हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और लहसुन का भी हम आपको रेट बताएंगे कि किस तरह का लहसुन का रेट आज सोलन सब्जी मंडी में रहा है, क्योंकि लहसुन अब मंडी में पहुंचना शुरू हो गया है। और रुपेंद्र बंसल जी हमारे साथ जुड़े, देवेंद्र ठाकुर जी, तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आग्रह हमारा यही रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसानों तक सोलन सब्जी मंडी के भाव पहुँच सके, और जो किसान जिनकी फसल तैयार हो गई है अगर उन्हें 12 खाता है तो सोलन सब्जी मंडी में अपनी फसल को भेज सकते हैं। और यदि लगता है कि दूसरे राज्यों की मंडियों में मटर के रेट ज़्यादा है तो तब वहाँ को भी भेज सकते हैं, वो तो उनकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। लेकिन सोलन सब्जी मंडी में इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार मटर के भाव में रेट अच्छे चले हुए हैं। पिछले वर्ष भी मटर का रेट इससे कम था, लेकिन इस बार मटर के रेट में थोड़ी तेज़ी देखने को जरूर मिली है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धुनी शर्मा जी, आलू आज 19.5 रुपये का ऊना का आलू बिका, 19 रुपये सॉरी, और पंजाब का 14 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। धन्यवाद जी।